Good morning friends. Today we are going to study benefits, importance of planning. The first importance is planning provides directions. यदि हमने अपना गोल ऑब्जेक्टिव लक्ष्य एडवांस में डिसाइड किया है तो हम अपने इस गोल के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं. फिर यह प्लानिंग हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गाइड करता है, डायरेक्शन देता है. सभी एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन यदि यह प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो सभी एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे और फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिवल्स या वेडिंग पीरियड के समय ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट पहले से मैन्युफैक्चर कर लेती है, अपनी सर्विसेज को अप टू डेट करती है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, सेल्समैन इंक्रीज करती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज करती है, ताकि इस प्रॉपर प्लानिंग के कारण उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो. द सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. मैनेजर्स अनसर्टेन इवेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इस डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को प्रेडिक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी अपडेट कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट स्टाइल को अप टू डेट कर सकते हैं, ताकि वह मार्केट में सर्वाइव कर सके. वह इन कंडीशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल कर सकते हैं, ताकि उनका एक मार्केट शेयर इंक्रीज हो. जैसे शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होती है, अनसर्टेन इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर हमेशा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमी को एनालाइज करते रहते हैं, ताकि उनके लॉसेस कंट्रोल हो, रिड्यूस हो और वह मार्केट में एग्जिस्ट कर सके, उनका प्रॉफिट मेंटेन रहे. द थर्ड इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. हर ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती रहती है, जिसमें वे डिसाइड करते हैं कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, जिससे सभी डिविजन्स, डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स की आइडिया क्लियर हो, उन्हें अपना वर्किंग एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरप्शन ना करे, जिससे हर एम्प्लॉय स्मूथली अपना काम करते जाए, उनके एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हो. यदि किसी डिपार्टमेंट की कोई वीकनेस हो, इनएफिशिएंसी हो, तो वह भी प्रॉपर प्लानिंग के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं. इस प्रॉपर प्लानिंग से ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, ओवरलैपिंग मतलब डबल एक्टिविटी, एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं, जिससे टाइम और एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं. इन एफर्ट्स को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. द फोर्थ इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इसमें हम बार बार इमेजिनेशन करते हैं और अपने प्लान को एनालाइज करते हैं कि इसके प्रोस एंड कॉन्स हमारे लिए कौन कौन से होंगे. प्रॉपर प्लानिंग के कारण ही हमें इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज मिलती है, एक ही काम को करने के नए नए तरीके मिलते हैं. हम यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, कॉन्क्रीट प्लान कौन सा होगा. यह प्लानिंग बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य प्लानिंग पर ही डिपेंड होता है. द नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. मैनेजर्स बार बार यह इमेजिनेशन करते हैं कि एक ही काम को करने के कितने तरीके हैं और उसमें से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, जिसे वह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इस तरह डिसीजन मेकिंग के लिए प्लानिंग बहुत ही बेनिफिशियल है. नाउ द लास्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लान में हम अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड सर्विस. As a student, you would have decided the standard marks, standard percentage. Suppose it is 80% for you. Now, अपने exams देना शुरू किया और school exams में आपको मिलते हैं 60%. यानी आपके actual result और standard marks में difference है, deviation है. तो आप अपनी activity को, marks को control करने की कोशिश करेंगे और अपने marks को, result को standards तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो इफ यू हैव प्रॉपर प्लानिंग देन यू कैन कंट्रोल इट, अदरवाइज देर इज नो बेस टू कंट्रोल.
यदि आपने प्रॉपर प्लानिंग करके अपने स्टैंडर्ड मार्क्स रिजल्ट डिसाइड किया है, तभी आप उसे एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करके कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास कंट्रोल करने के लिए कोई बेस नहीं है। सो प्लानिंग इज द बेस फॉर कंट्रोलिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.